तो हेलो यार, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बॉलीवुड की फर्स्ट एवर डिस्टोपियन फ्यूचर साईफाई एक्शन मूवी गणपत का, जिसके मेन लीड में है टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और अमिताभ बच्चन। इसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है फ्यूचर इंडिया की, जहां पर अमीर लोग एडवांस्ड सिटी में रहते हैं और गरीबों पर राज करते हैं। अब इसी दुनिया के अंदर कैसे गुड्डू नाम का लड़का गणपत बन के लोगों का मसीहा बनता है, उसी पर पूरी मूवी बेस्ड है। वो ऐसा क्यों करता है, कैसे करता है, गरीब लोगों को आजादी दिला पाता है या नहीं, ये तो आपको मूवी देख कर ही पता चलेगा। मूवी का कॉन्सेप्ट तो बढ़िया था, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। ऊपर से इसमें आइटम सॉन्ग डाल दिए गए जो स्टोरी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, जो मूवी को लेंथी और बोरिंग बना देते हैं। बात करें एक्शन की, तो इसमें हमें साईफाई एक्शन की बजाय बहुत सारी एमएमए फाइट्स और टाइगर श्रॉफ की गुलाटियां ही देखने को मिलती हैं, और वही घिसे पिटे स्टंट्स जो अपनी पिछली मूवी से ही करते आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वीएफएक्स के बारे में, तो जिस तरह से इसे एक फ्यूचरिस्टिक मूवी बताया जा रहा था, उस लेवल के तो इसके विजुअल्स बिल्कुल भी नहीं है। और कास्ट की बात करें, तो एक तरफ मूवी में नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है जिसको सिर्फ ह्यूमर के लिए रखा है, और दूसरी तरफ एक एक्शन स्टार जो टपोरियों वाले डायलॉग मार रहा है, और एक्टिंग का तो मूवी में दूर दूर तक का पता नहीं है। फिर भी अमिताभ बच्चन सर का स्टैंडर्ड केमियो काफी कमाल का था। इसके अलावा मूवी का बीजीएम काफी अच्छा है, और कुछ जगह पर स्लो मोशन सीन्स काफी कूल लगते हैं, और मूवी में आपको काफी सारी कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। और एंड में इसके सेकंड पार्ट का भी हिंट दिया जाता है, मतलब अगर मूवी सक्सेसफुल रही तो इसका सीक्वल भी जरूर आएगा। तो ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सी मूवी है, जिसे आप टाइम पास के लिए देख सकते हो, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, वरना एक्शन और विजुअल्स के मामले में आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ऐसे और भी रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।